सो गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम चाचा चाची ढाबा नियर चंद्रताल। और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से चंद्रताल लेक। हम लोग की गुड मॉर्निंग हो चुकी है। मैं सोया था यहाँ पे टेंट में और ये लोग सोए थे गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर अभी आपको दिखाऊंगा कि ये लोग कैसे सोए हुए थे। और भाई बहुत ज़्यादा ठंड है यार। मैंने तो जैसे 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 तैसे मुँह धुल लिया है। धुल तो सबने लिया है लेकिन जैसे तैसे बहुत बुरा हाल है यार यहाँ पे। और ये है पीछे चाचा चाची ढाबा चंद्रा ढाबा। और भाई नज़ारे बहुत ही प्यारे हैं। अलग ही एक्सपीरियंस है यार, अलग ही। सो गाइस ये है हमारा टेंट और अभी ज़्यादा सामान नहीं बचा। हम लोगों ने उठा के रख लिया है गाड़ी में। और गाड़ी दिखा देता हूँ एक बार आपको। सो गाइस ये रही हमारी गाड़ी और ये कुछ ऐसा है यहाँ पे। गाइज अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से और हमारा जो शीशा है वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है ठंड की वजह से। वहाँ पे जो भाप जमी हुई है वो साफ़ नहीं हो पा रही। और ये चाचा चाची ढाबे से निकलते ही एक लकड़ी वाला ब्रिज आ गया है। हम लोग को 1-2 किलोमीटर का ट्रैक भी करना पड़ सकता है तो हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं बिल्कुल फिट। और बाकी सब बढ़िया है जी। नज़ारे देख लो, एक नंबर नज़ारे हैं यार। रोड बहुत खतरनाक है, गाड़ी बहुत संभाल के चलानी पड़ रही है। सो गाइज अभी जो मैं फील कर पा रहा हूँ वो शायद आप लोग नहीं फील कर पा रहे होंगे वीडियो में देख के, लेकिन एक तो हम लोग सुबह 6 बजे उठ गए थे और बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। मेरे हिसाब से टेम्परेचर माइनस में होगा। और सामने का नज़ारा आप लोग देख के समझ सकते हैं कि कितना, मतलब कितनी ज़्यादा ठंड हो सकती है। हम लोग की बिल्कुल ऐसी तैसी हो रखी थी और रात में हम लोग के पास सोने के लिए अच्छे साधन भी नहीं थे। तो जैसे तैसे हम लोग की रात कट गई थी और सुबह भी भाई साहब बहुत ही प्यारी, मतलब बहुत ही करी वाली ठंड थी। और ऐसे ही प्यारे प्यारे नज़ारे देखते हुए हम लोग चल रहे थे। तो कुंजुम पास का हमारा कोई प्लान नहीं था पहले कि हम लोग को जाना है या फिर नहीं जाना है, लेकिन जो चंद्रताल वाला गेट है जहाँ से हम लोग चंद्रताल के लिए, मतलब चंद्रताल वाली रोड के लिए हम लोग एंटर होते हैं, वो वाला गेट हम लोग का छूट गया था और हम लोग सीधे स्पीति वाली रोड पर चले गए। तो जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे और थोड़ी सी चढ़ाई ज़्यादा पड़ने लगी तो हम लोगों ने सोचा कि पता नहीं हम लोग कहाँ पर आ गए, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क तो आ नहीं रहे थे और गूगल मैप वगैरह हमारे पास कुछ भी था नहीं और सही से रास्ता भी हम लोग को नहीं पता था। मतलब ये जो है हम लोग सच पास करने निकले थे और चंद्रताल हम लोगों ने बाद में सोचा कि ऐसा है चंद्रताल भी कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ हमारा प्री प्लान नहीं था। तो गूगल मैप हमने, मतलब ऑफलाइन मैप भी हम लोगों ने डाउनलोड नहीं कर रखा था। तो ऐसे ही प्यारे प्यारे नज़ारे देखते हुए हम लोग चल रहे थे और धीरे धीरे हम लोग पहुँच गए जी कुंजुम पास। और जैसे ही हम कुंजुम पास पहुँचे तो मैंने दूर से देख लिया कि हाँ कोई पास आने वाला है। फिर मुझे याद आया कि कोई पास, जब हम चंद्रताल जाते हैं तो कोई पास तो पड़ता नहीं है, लेकिन हाँ कुंजुम पास पड़ता है जब हम स्पीति वाले रोड पे बढ़ते हैं। तो फिर आगे थोड़े बढ़े तो हम लोग को पता चला कि हाँ हम लोग कुंजुम पास पहुँच गए हैं। तो फिर इसी बहाने हम लोग कुंजुम पास भी हो आए और हमारी राम प्यारी जो है कुंजुम पास भी चढ़ गई। और फिर आगे का सीन जो है आपको अभी बताएंगे, क्योंकि आगे भी हम लोग के, मतलब हम लोग आगे इसके बाद भी हम लोग के
साथ थोड़े और सीन हुए हैं। बहुत ही मतलब एडवेंचरस राइड रही हमारी, राइड क्या रोड ट्रिप रही। तो आगे देखिए बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं यार। सो गाइज फाइनली वी आर हेयर एट कुंजुम टॉप, और कुंजुम टॉप अल्टीट्यूड है वो 4590 मीटर है, 4590 मीटर्स। और बाकी सब बढ़िया है जी। काजा यहाँ से 78 किलोमीटर है और लोसर 19 किलोमीटर है। तो अभी हम लोग जाते हैं, यहाँ पे परिक्रमा करना है। और ये जो माता का मंदिर है यहाँ पे, यहाँ पे अगर आप आते हैं तो परिक्रमा करके ही जाएं यहाँ से। तो अभी चलते हैं वहाँ पे और परिक्रमा करते हैं। और बाकी सब बढ़िया है जी, नज़ारे एक नंबर हैं यार, बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं। और मुकुल की हालत देख के आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ठंड है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है भाई, बहुत ज़्यादा। तो चलते हैं यहाँ से आगे, पहले चलते हैं माता के मंदिर की परिक्रमा करते हैं। गाड़ी वहाँ पे जाती है, गाड़ी को लेके ही जाएंगे हम लोग। तो जी अभी टाइम हो रहा है 7:30, और 7:30 बजे हम लोग जो है कुंजुम टॉप पे पहुँच गए हैं। और अप्रॉक्स 6:20-6:15 के आसपास हम लोग चाचा चाची ढाबे से निकल गए थे। इसका मतलब है हम लोग को 1.25 घंटा लगा लगभग यहाँ पे पहुँचने में। और रास्ता बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकार है, आपको बहुत ही ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ेगी अगर आप लोग मतलब कोई सी भी गाड़ी लेके आ रहे हो, चाहे वो बड़ी ही क्यों ना हो। और हमारी तो फ़िलहाल राम प्यारी छोटी सी है, तो हमें तो बहुत हिसाब से चलानी होती है। और कोई भी गाड़ी हो आपको बहुत ध्यान से चलानी पड़ेगी, मतलब ये मोस्ट एडवेंचरस रोड्स में से एक है। और हम लोग उधर सचपास भी गए थे तो भी टोटल ऑफ रोड मिला था हमको, और इधर भी टोटल ऑफ रोड है। और बाकी 7:30 बजे हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो मौसम देख के आप लोग समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा ठंड होगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था हम लोग को, अल्टीमेट था भाई, अल्टीमेट बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस था हम लोग के लिए। और हम लोग मतलब बिल्कुल अनजाने में यहाँ पे पहुँच गए थे, हम लोग को लग नहीं रहा था कि हम लोग कुंजुम टॉप भी जाएंगे। एंड गाइज ये जो सामने आपको रोड्स दिख रही हैं, अगर राइट चले जाएंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे मनाली, और लेफ्ट जाएंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे स्पीति। तो अभी हम लोग स्पीति वाले रोड पे निकल चुके हैं। सामने का जो नज़ारा है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, मतलब मैं वर्ड्स में बयां नहीं कर सकता। अगर आप नेकेड आई से देखोगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा। बस प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि रास्ता बहुत ही ज़्यादा बेकार है, गाड़ी हमारी कल से खल 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 करे ही जा रही है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे नज़ारों के लिए वही वाली बात है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। सो गाइस कुंजुम टॉप से लोसर जो है 19 किलोमीटर्स है, और अभी अप्रॉक्स हम लोग 10 किलोमीटर्स चल चुके हैं इसी खराब रोड पे। तो अभी आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हम लोग के फ़ोन में अभी बीच में एक बार नेटवर्क आए थे, एकदम से नोटिफिकेशंस आने लगे, तो हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि पता नहीं नेटवर्क कैसे आ गए यहाँ पे। फिर आया कहानी में ट्विस्ट, और कहानी में ट्विस्ट देखने के लिए प्लीज़ पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा।